नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं अजय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन से कई दलों के जाने और कई दलों के नेताओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन फिलहाल नई खबर यह है कि रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन से अलग होने के साथ ही उनके नेता अब तेजस्वी यादव से मुलाकात को पहुंचे हैं, वो भी चोरी चोरी चुपके चुपके। इस सीक्रेट मीटिंग की शायद उपेंद्र कुशवाहा को जानकारी हो चुकी है और यही कारण है कि वो पूरे गरम हो चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि माधव आनंद जो रालोसपा के नेता हैं, जो मुखर विरोधी रहे हैं राजद के, अब वो राजद को अपना परिवार बताते हुए तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुलाकात के मायने क्या, सबसे पहले आप माधव आनंद के उस बयान को सुनिए जिसमें वो सफाई देते आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये औपचारिक मुलाकात है और पहले से भी मुलाकात होती आ रही है, लेकिन चूंकि चुनाव है पत्रकारों ने सवाल तो पूछ ही दिया। अरे तो मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मैं तो आप आज पहली बार आया, मैं तो हमेशा आता हूँ। आप पता कीजिए अपने सोर से कि मैं आता हूँ, मेरा तो परिवार है ये। हाँ। तो मैं तो प्रणाम प्रणाम, तो हमेशा आते, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन तोड़ा है तो तेजस्वी यादव से। उपेंद्र कुशवाहा जी गठबंधन तोड़े हैं, मैं तो कह तो दिया कि मेरा लालू परिवार से व्यक्तिगत संबंध है और मैं जब भी दिल्ली में आता हूँ तो मैं मिलता हूँ, दिल्ली से आता हूँ तो सब जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी जानते हैं कि मेरा व्यक्तिगत संबंध है लालू परिवार से। क्या आप आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं? शामिल होने की कहाँ से बात होगी, शामिल होगा तो बजाते शामिल होगा, कोई मुझे जानते नहीं है आप क्या? मुझे अगर शामिल होना होगा तो बजाते शामिल होगा। अरे वो अच्छे ही व्यक्तिगत मुलाकात, तीन चार दिन से बातचीत हो रही थी कि आइए माधव जी कॉफी पीते हैं, कॉफी पे बात हुई है। तो एक सेकंड, अभी आपने कॉफी पिए थे तेजस्वी यादव के साथ? अरे मेरा घर है, मैं बता तो दिया, तो घर है, मैं हमेशा आते रहता हूँ, उसमें नया कुछ भी नहीं है। तो क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने आपसे, आपको कहा है कि आरजेडी आ जाइए? भाई मैं बता दिया कि मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मैं अपने पार्टी में हूँ, मैं हमेशा आता हूँ, आप चलाएंगे भी तो उपेंद्र जी को भी पता है कि मेरा घर है, मैं हमेशा आता हूँ, जब भी दिल्ली से यहाँ आना होता है मैं यहाँ आता ही हूँ, एक दो घंटा बैठता ही हूँ। ठीक, तो सुना आपने, माधव आनंद ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से पुराना संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है और इससे पहले भी वो मिलने आते रहे हैं और पारिवारिक संबंध है, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उनके परिवार का हिस्सा है, वो तेजस्वी के परिवार का हिस्सा है, लेकिन चुनाव से पहले माधव आनंद के तेजस्वी यादव के इस मुलाकात को कई रूप से देखा जा रहा है, कई मायनों में इसे अलग तरीके से देखा जा रहा है। और इसके साथ ही ये भी कहा जाने लगा है कि माधव आनंद क्या राजद में शामिल होंगे। ये रालोसपा के वही माधव आनंद हैं जो लगातार विरोधी बयान देते आए हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, राजद के खिलाफ, लेकिन चूंकि चुनाव है कुछ भी संभव हो सकता है। ऐसे में सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि क्या अब माधव आनंद भी तेजस्वी के साथ जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को पिछले दिनों आपने देखा बसपा का दामन थाम लिया है, हाथी के साथी बन गए हैं। इससे पहले भी रालोसपा के एक नेता की ज्वाइनिंग राजद में हुई थी जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि रालोसपा पहले से ही टूटने लगी है। अब एक बार फिर से माधव आनंद अगर राजद में शामिल हो जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस मुलाकात को औपचारिक बताई है, लेकिन सियासी गलियारे में इसकी चर्चा जोरों पर है कि वो राजद का दामन थाम सकते हैं। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।